नेक्स्ट uh, क्वेश्चन 2019 का सवाल है क्वेश्चन से इज वर्क डन टू रेज अ मास एम फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट एच विच इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ विल बी ऑप्शन हैं थ्री बाय टू एम जी आर एम जी आर या फिर टू एम जी आर या फिर वन बाय टू एम जी आर हमें बताना है कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा सिंपल सवाल है वर्क uh, है थोड़ा में सो so, इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं सो दिस इज हाउ इट इज़ ये स्नैरियो अपना कि ये रेडियस ऑफ अर्थ एक ब्लॉक को हमने यहाँ सर्फेस ऑफ अर्थ से लिया उसको एक एच हाइट तक लेके गए और एच की वैल्यू है आ रही हमें यहाँ बताना है कि वर्क डन कितना होएगा ना इस केस में हम इजीली एज्यूम कर सकते हैं कि हम इसको स्लोली स्लोली लेके जा रहे हैं कोई वर्क डन जो भी आपका जाएगा वो कानीटिक एनर्जी में चेंज नहीं होएगा कोई भी वर्क डन बाय फोर्स नहीं होएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होएगा एयर रेसेंस यहाँ पर हम नेग्लिजिबल मानेंगे इन सारे एजम्पन के साथ हम ये कह सकते हैं कि अपना जो वर्क डन होएगा वो होएगा चेंज इन आपकी पोटेंशियल एनर्जी सो so, हमें बस यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है वो अपना डन होएगा नाउ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी वैल्यू लिख के अपना आंसर आ जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे आएगी माइनस जी एम एम बाई आर ई प्लस एच उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल uh, उसकी वैल्यू आएगी जी एम एम बाई आर सो दिस विल गिव अस आर फाइनल आंसर और एच की वैल्यू यहाँ पे आर ई है सो so, ये भी माइनस आएगा यहाँ पे सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर टू आर ई प्लस जी एम एम बाई आर ई ये अपना आंसर हो गया तो इसको सॉल्व करके वर्क डन आया जी एम एम बाई टू आर ई नाव इसको हमें लिखना है चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं छोटे जी के टर्म में सो so, इसी को छोटे जी के टर्म में लिखने के लिए हम लिए इसको आर ई से मल्टीप्लाई और आर ई से डिवाइड कर सकते हैं सो so, नाओ ये जी एम एम बाई आर ई सॉरी जी एम बाई आर ई स्क्वायर ये अपनी टर्म जो है ये बन जाएगी छोटा जी सो so, अपना फाइनल आंसर हो गया वन बाय टू एम मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय आर ई बिकॉज अपने को पता है कि छोटे जी की वैल्यू जी एम बाई आर ई स्क्वायर होता है इसको हमने यहाँ यूज़ किया है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी वन बाय टू एम जी आर विल बी द करेक्ट आंसर